नमस्कार। हेल्दी प्रेगनेंसी की चाह हर एक माँ को होती है। हर एक माँ चाहती है कि जो हमारी प्रेगनेंसी है वो एकदम हेल्दी हो, उसमें किसी तरह कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो और जो बच्चा भी है वो हमारा हेल्दी हो। तो आइए आज हम आपको ऐसे लक्षण बताएंगे जिससे आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एकदम हेल्दी है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरह से प्रेगनेंसी से पहले बीपी या शुगर या किडनी से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड या आपको हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत रही है तो पहले ही उसके टेस्ट करा लीजिए और डॉक्टर से सलाह लेकर के सारी चीज़ें जितनी भी आपकी हाई हैं उसको नॉर्मल रेंज में लाइए, उसके बाद कंसीव कीजिए। अगर आप इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के विकास में ये बाधा बन सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे टाइम पे मिसकैरेज की संभावना सबसे ज़्यादा होती है 13 सप्ताह तक, यानी पहले से 13 सप्ताह के बीच में मिसकैरेज सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर आपके बच्चे की जो हार्ट बीट है वो 6 वीक या 7 वीक में आ चुकी है तो ये हेल्दी प्रेगनेंसी का संकेत है। तो 12वां सप्ताह स्टार्ट हो गया, आपने एंटी स्कैन करा लिया, वो सब कुछ नॉर्मल है तो भी ये हेल्दी प्रेगनेंसी का संकेत है। अब बात करें दूसरा ट्राइमेस्टर जिसे हम दूसरी तिमाही के नाम से जानते हैं जो कि 4 से 6 महीने के बीच में होता है, तो ऐसे टाइम में सर्विस का खुलने का डर सबसे ज़्यादा होता है। जो आपका गर्भाशय होता है उसके खुलने का डर रहता है और जो गर्भाशय की लंबाई होती है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान, अगर आपका गर्भाशय बंद है, सर्विक्स बंद है और आपके सर्विक्स का जो लेंथ है वो नॉर्मल है तो आपकी ये हेल्दी प्रेगनेंसी का संकेत है। अब बात करें सर ट्राइमेस्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइमेस्टर होता है, ऐसे टाइम में क्या होता है कि आपका जो बीपी और शुगर होता है उसके सबसे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं 9वें महीने में। तो अगर आपका बीपी या शुगर बढ़ा है तो ऐसे में हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अगर ये चीज़ आपकी ज़्यादा बढ़ी है तो इसको पहले आप नॉर्मल कीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, इसे नॉर्मल कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाने के लिए। और अगर आपका बीपी शुगर एकदम नॉर्मल रेंज में है तो ये हेल्दी प्रेगनेंसी का संकेत है। वेट का बढ़ना, पूरी प्रेगनेंसी में आपका जो वेट है 10 से 12 किलो के बीच में बढ़ना चाहिए जो कि हेल्दी प्रेगनेंसी का संकेत माना जाता है। अगला जो है ऐसे टाइम पे आपका जो पेट का आकार है वो भी बढ़ना चाहिए, इस चीज़ का रखना है ध्यान। अगर आपका पेट का आकार नहीं बढ़ रहा किसी कारणवश तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करना है, और अगर आपका पेट का आकार बढ़ रहा है तो ये आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी का संकेत है। अगला जो है तो आपका जो प्लेसेंटा पोजीशन है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, अगर किसी कारणवश वो नीचे है तो कहीं ना कहीं आपको प्लेसेंटा प्रीविया लो लाइन का दिक्कत है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और अगर ये प्लेसेंटा आपका ऊपर है तो ये हेल्दी प्रेगनेंसी का संकेत है। तो ये हम सोनोग्राफी के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। अगला जो है बेबी का जो मूवमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग से हम बेबी की मूवमेंट को हम फील करते हैं तो 9वें महीने में बहुत कम ही ऐसा होता है कि बेबी मूवमेंट बहुत कम ही दिखती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा पूरा गोद ले चुका होता है और जो गर्भाशय की जगह होती है थोड़ी कम पड़ जाती है, ऐसे में बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है, पर बेबी मूवमेंट होती है, इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। ठीक है, ये मत सोचिए कि बिल्कुल भी नहीं होती, अगर बिल्कुल भी नहीं हो रही तो भी दिक्कत है और अगर थोड़ी बहुत भी हो रही तो बहुत सही है। तो ये कुछ संकेत है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एकदम हेल्दी है। आशा करती हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें नॉर्मल है तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एकदम हेल्दी है। तब तक बने रहिए चैनल पे, आप सभी का नमस्कार।